डैनी वॉल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। साथ ही फिल्म ने 2009 के ऑस्कर में भी धूम मचा दी थी। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा बेस्ट पिक्चर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट सॉन्ग्स का अवार्ड अपने नाम किया था। फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में थे जो क्विज शो में होस्ट बने थे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रोल बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, शाहरुख खान फिल्म में प्रेम कुमार के रोल के लिए शुरू में तैयार हो गए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने इस रोल के लिए डायरेक्टर डैनी के साथ स्क्रिप्ट पर भी काम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया था। शाहरुख का मानना था कि प्रेम का रोल थोड़ा मतलबी और चीट करने वाला था। 2010 में अपनी फिल्म माय नेम इज खान के प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने जोनाथन रॉस के चैट शो में कहा था, डैनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म बन रही है। मुझे लगा था कि ये काफी दिलचस्प टॉपिक है। मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा था कि फिल्म में शो का होस्ट चीट करता है, थोड़ा मतलबी आदमी होता है। मैं रियल में एक शो होस्ट कर चुका था तो मुझे लगा कि लोग मुझे असल में भी ऐसा ही इंसान न सोचने लगे। शाहरुख खान ने आगे कहा कि मेरे बाद ये रोल अनिल कपूर को मिला था। सच कहूँ तो अनिल कपूर ने बहुत शानदार काम किया था। स्लमडॉग मिलियनेयर एक ऐसी फिल्म रही जिसमें अनिल की एक्टिंग वाकई में काबिले तारीफ थी। पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।